बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्राइम फैक्टर। इनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, शो करना है। एंड यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, जो प्राइम फैक्टर की फॉर्म है उससे पहले ही हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, वो वहाँ तक था, अब इसका नेक्स्ट भी है कुछ। एंड राइट आंसर इन इंडेक्स नोटेशन, और इसका जो आंसर आएगा उसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में भी लिखना है, यानी इस तरह से भी हमने उनको लिखना है। पहला इसका ये पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर बाकी बारी बारी करते हैं। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 36 का होता है, फिर ये 2 से हो रहा है 218 का 36 होता है, फिर 2 से हो रहा है 29 का 18 होता है, फिर जो 9 है ना, ये 2 से नहीं होता, ये 3 से होता है, 33 का 9 और 31 का। अब इनके पहले हम प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये एक पार्ट इसका यहाँ तक हो गया प्राइम फैक्टर इसके हो गया। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 72। अब इसका इंडेक्स नोटेशन फॉर्म है उसमें लिखना है। इंडेक्स नोटेशन में ये देखना है कि हमने 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 2 एक मरतबा लिख के जितनी मरतबा आ रहा है उतनी ऊपर पावर मल्टीप्लाई। इसके बाद 3 है, 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 2 टाइम, 2 मरतबा आ रहा है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो ये इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म हो गई। नेक्स्ट नंबर है 275। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। 2 से तो नहीं हो रहा, अगर 3 से आप नहीं भी चेक करना चाह रहे, हमें पता है कि पहला जो डिजिट है जो इस तरफ से जो राइट साइड से पहला होता है, ये अगर 5 हो या 0 हो तो 5 से भी डिवाइड हो रहा होता है। हम इसको 5 से कर लेते हैं, 5 5 द 25, फिर 5 5 द 25, तो फिर ये 55 है, तो ये भी 5 से होते हैं, 5 1 द 5 1 द, और 11 का हमें पता है कि ये 11 एक प्राइम नंबर है, ये 11 से होगा, तो ये इसके बन गए प्राइम फैक्टर्स। तो ये बेटा इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए। आप इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म, इंडेक्स नोटेशन में देखिए 5 इसमें 2 टाइम आ रहा है, ये 5 2 मरतबा आ रहा है, तो 5 आ रहा है ना, इसको एक दफ़ा लिख के जितनी मरतबा आ रहा है उतनी ऊपर पावर, तो 11 है, 11 एक मरतबा ही आ रहा है, तो ऊपर एक लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही होता है ये। तो ये इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म हो गई। नेक्स्ट नंबर है 300। 300 को डिवाइड कर लें आप 2 से कर लें, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी इसका हाफ करेंगे तो 150 हो जाएगा, नहीं तो आप वैसे डिवाइड कर लें। फिर ये 0 है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 27 का 25 का, चाहे आप इसको 5 से कर लें या इसको 3 से कर लें, 3 से भी हो रहा है, ये 7 में 5 प्लस करें 12 होता है ना, तो 3 के टेबल में 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 का 6 और 3 5 का 15, अब ये सिर्फ 5 से हो रहा है, 5 5 द 25 या फिर 5 1 द। तो ये इसके प्राइम फैक्टर ऑफ 300 हो गए। इसकी इंडेक्स नोटेशन क्या होगी, 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है तो पावर 2। इसके बाद 3 है, 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 1 मरतबा या, तो इस तरह ही रहने देंगे, एक लिख दें या ना लिखें तो वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एक लिखा नहीं जाता। इसके बाद 5 आ गया, तो 5 कितनी मतलब आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो 2 पावर लिख देंगे। ये इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म हो गई। नेक्स्ट नंबर 162, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 द 16 और 2 1 द 2। अब ये 1 है एंड वाला नंबर, तो ये अब 2 से तो नहीं होगा, इन दोनों को प्लस किया तो 9 है ना, तो 3 के टेबल में 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, 327 का, फिर ये 3 से हो रहा है। इस तरफ आपने ध्यान में रखना है कि इस तरफ प्राइम नंबर ही होने चाहिए, प्राइम नंबर, यह ना हो कि 9 इधर लिखा हो 3 इधर लिखा हो, ऐसा नहीं, 3 इधर 3 9 दा 27 फिर 3 3 दा 3 1 दा। ये इसके प्राइम फैक्टर ऑफ 162। इंडेक्स नोटेशन में आ जाएगा 2 कितनी मतलब आ रहा है, 1 मतलब ही आ रहा है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे 2 और 3 4 टाइम आ रहा तो पावर 4 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आ गया।